हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्य आई केयर सेंटर। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये है पेशेंट एनोनिमस। इसका मतलब इसमें हम पेशेंट्स के वो सवाल लेंगे जो हमसे आमतौर पे पूछते हैं लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहेंगे। तो आज हम ले रहे हैं पहला सवाल, जो एक बहुत ही कॉमन सवाल है ज्यादातर पेशेंट्स का। सर, मुझे चश्मा लगा हुआ है पर मैं उसे लगाती नहीं हूँ। मुझे लगता है शायद मैं उसको लगाऊंगी तो मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी, तो क्या ये सही है? जी, ये हमें बहुत बार सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि वो चश्मा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको ये डर है कि चश्मा लगाने से उन्हें इसके लगाने की आदत पड़ जाएगी। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे कॉमन बहाना है लोगों का चश्मा ना पहनने का। अब चश्मा पहनने से हमें अच्छा दिखता है और जब भी हम अच्छा देखना चाहेंगे तो चश्मा पहनना चाहेंगे, तो इसमें आदत वाली बात नहीं है। ये तो एक खुशनसीबी वाली बात है कि चश्मा पहनने से हमें अच्छा दिखता है और उसे हम खुशी खुशी पहनते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसके पहनने से आदत पड़ जाएगी, और अगर पड़ भी जाएगी तो अच्छी आदत है, पड़ने दीजिए। सर, मैं 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो क्या इससे मेरी आंखें खराब हो सकती हैं? मुझे इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आजकल बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन की वजह से काफी काफी घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा पड़ता है उन्हें, और ये उनका रोज का रूटीन होता है। यदि हम 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने, खासतौर पर कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तो उसमें हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। पहला बुरा असर तो ये पड़ता है कि इस स्क्रीन की ग्लेयर की वजह से हमारी टीयर प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि हम इन स्क्रीन्स पे जब स्टेयर करते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है और फिर हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। सो सभी कंप्यूटर यूजर्स में ये प्रॉब्लम तो पाई जाती है कि उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करने से आती है वो होती है आंखों का स्ट्रेन, या जिसे कहते हैं आंखों की थकावट, क्योंकि लगातार स्क्रीन पे क्लोज वर्क करने से हमारे आई मसल्स, जो हमें क्लोज वर्क दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो थक जाते हैं और धीरे धीरे वीक भी हो जाते हैं। सो दो प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर यूजर्स को, एक ड्राइनेस और दूसरा स्ट्रेन। ड्राइनेस के लिए उन्हें टीयर सब्स्टिट्यूट्स रेगुलर यूज करने चाहिए, और स्ट्रेन दूर करने के लिए एक तो बीच बीच में थोड़ा गैप देना चाहिए, लगातार काम नहीं करना चाहिए। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अगर आप किसी दूर की चीज को देख लेंगे, जिसे हम कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला, तो फिर आपकी आंखों में ये स्ट्रेन काफी कम हो जाएगा। प्लस समय समय पे उन्हें फ्यूजन एक्सरसाइजेस या कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस, और आजकल तो प्रिज्म ग्लासेस अवेलेबल हैं जिन्हें सुबह और शाम आधा आधा घंटा पहनने से भी आई स्ट्रेन दूर हो जाता है। सो यदि आपने कंप्यूटर पे इतने घंटे काम करना है तो अपनी आंखों की सेहत अच्छी रखिए। सर, मुझे मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो क्या उसके बाद भी मुझे अपनी आई चेकअप कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए? ये बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि जब उनकी आंखों में उन्हें कोई तकलीफ महसूस हो ही नहीं रही तो फिर वो अपना आई चेकअप रेगुलर क्यों करवाएं? जैसा कि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम सभी को साल में एक बार कम से कम आई चेकअप कराना चाहिए, चाहे हमें आंखों में कोई दिक्कत महसूस हो, चाहे हम चश्मा लगाते हो या ना लगाते हो। सो फिर सवाल आता है कि क्यों करवाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आईज में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स में शुरुआती दौर में कोई सिम्टम होता ही नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा लेट स्टेज में। लेट स्टेज में पता चलने पे कुछ ना कुछ डैमेज हो चुकी होगी। सो यदि हम रेगुलर चेकअप्स में कोई अर्ली साइंस भी पकड़ लेते हैं किसी बीमारी के और उसे क्योर कर देते हैं, तो आप लंबी बीमारी से बच सकेंगे। दूसरी बात, जहां तक आपके कमजोर होने का सवाल है, जब तक आंख करीब करीब 20-25% तक कमजोर नहीं हो जाती, तब तक बड़े लोगों को भी पता नहीं चलता कि उन्हें कम दिखाई दे रहा है, और छोटे बच्चों में तो ये वैसे भी बहुत जरूरी है। एक 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का बच्चा कैसे अपने पेरेंट्स को बताएगा कि उसे कम दिखता है, अनलेस कि उनके पेरेंट्स एक रेगुलर चेकअप के लिए बच्चे को हमारे पास लाएं और हम उनकी आंखों में दवाई डाल के पूरा चेकअप करके पता लगा लें कि उनकी आंखें कमजोर हैं, और फिर उन्हें जैसे ग्लासेस सजेस्ट कर दें। इसी तरह नवजात शिशुओं में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें पेरेंट्स कुछ पता नहीं चलता कि इनमें
कोई सिम्टम्स हैं या बच्चा तो बता ही नहीं सकता, तो वो बीमारियां तो फिर अनडायग्नोज ही रह जाएंगी। तो यदि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं तो साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप भी जरूर करवाइए। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया एक कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव आईज के बारे में, और उनके मन में जो जो डाउट्स होते हैं, जो जो मिथ्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए हम ये सीरीज आगे भी जारी रखेंगे, और हर बार 3-4 मिनट्स को लेके उनके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आई होप ये जनरल डिस्कशन अबाउट आई केयर आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।